शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखो, उदय शेट्टी, भगवान, एक तुम्हारा भांजा है जो एक लड़की को पता नहीं सकता, और ये उदय शेट्टी जो बार बार फोन पे फोन कर रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इसका। भगवान से प्रार्थना के सिवा और क्या कर सकते हैं हम लोग। हे भगवान, कुछ मदद कर। मैं कैसी मदद कर रहा है? अरे ये कहाँ चली गई? सुनिए, का पता नहीं, सुबह से दुकान मकान अस्पताल सब देखा, ऊपर से फोन कर रहा हूँ, साला उठा नहीं रहा। मुझे टेंशन हो रही है, तू वापस आ जा जल्दी। अरे कैसे आ जाऊं उदय भाई, यहाँ संजना मैन का कौन ख्याल रखेगा? संजना की फिक्र मत कर, उसकी सहेली है उसके साथ, वो ख्याल रखेगी उसका, तू वापस आ जा जल्दी। ये घुंघरू सेठ की तुम है? ये जूता ना गिरे पास। चलो पिकनिक ओवर। अबे ओ, बिना पेड़ के फल, सुसाइड करना तो सीधा टपकना या मैं टपका हूँ? जूता फेंक करके गहराई नाप रहा है? अब तू क्यों हाथ में पकड़े खड़ा है, पानी में फेंक दे। कहीं फिर अप्रैल फूल ना बना दे। नहीं नहीं, आंखों पर पट्टी बंधी है, चुपचाप निकल जाता हूँ साइड से। एक्चुअली हम लोग खेल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लग तो रहा है आपके चेहरे से मुझे। होंगे क्यों नहीं, हम लोग ने आपको अप्रैल फूल जो बनाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रैंक करना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी प्रैंक कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं आपके साथ। रियली? तो फिर आपकी मेरी खूब जमेगी। ओके चलिए कॉफी पीते। नहीं नहीं, आपके साथ कॉफी पीने नहीं। नहीं नहीं, आपने आप लोगों ने पहले भी मुझे अप्रैल फूल बनाया, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तुम्हारा हार कहाँ गया? कहाँ गया हार? अरे अभी अभी तो गले में था। बहुत महंगा था क्या? 25-30 लाख का तो होगा। ढूंढो ढूंढो, चलो वहाँ देखो, चलो मस्ट बी समवेयर हियर ओनली यार। मिला क्या? डिड यू फाइंड इट? मिला क्या? अब वहाँ देखिए, वहाँ देखो शर्ली। संजना जी, वो देखिए, वो पड़ा आपका हार, वो देखिए। ओह थैंक गॉड, मिल गया। मैं ले आता हूँ।
मीना जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? हार फिर खो गया? अच्छा अंकल जी, मैं जा रहा हूँ। राजीव, अरे बाहर कहाँ जा रहे हो? मरवाओगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग शहर में वापस आ गए हैं। अंदर ही रहो। अरे अंकल, मैं संजना के भाई साहब से मिलने जा रहा हूँ। आप ही ने तो कहा था कि फटाफट एंगेजमेंट करवा लेनी चाहिए। ओ यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। मुझे भी संजना की सहेलियां बता रही थी कि संजना के भाई साहब शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। अरे एक बार उनके साथ हमारा रिश्ता तय हो गया ना, फिर तो मजनू और शेट्टी से उनके भाई साहब ही निपटेंगे, हम क्यों निपटे? जाओ बेटे, जाओ वहां से, जाओ वहां से। अच्छा मामी जी, बाय। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए था। वो तलाश भी आज खत्म हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद आए, तुम्हारे घर वालों को संजना पसंद है, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? भाई साहब, 13 तारीख को संजना का बर्थडे है, मैं ये सोच रहा था कि अगर उसी दिन एंगेजमेंट हो जाए। इतनी जल्दी कैसे तैयारियां हो जाएंगी? भाई साहब तैयारियों का क्या होता है, सिर्फ 4 कार्ड छापने होते हैं, 4 लोगों को बुलाना होता है और 2 अंगूठियां चाहिए होती हैं, बस और क्या। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है। नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अरे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैं आज आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 3 खुशखबरी। तुम्हारी खुशखबरी बाद में सुनाना, पहले इनसे मिलो, ये संजना के होने वाले मंगेतर है। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने से पहले मुझे मिल के जाना, समझ गया ना? समझ गया। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? बड़ी अजीब सी बात है, हमारे जमाने में तो घर वाले बात करते थे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब आप जब बोलेंगे मैं अपने घर वालों को आपसे मिलाने ले आऊंगा। अभी 2 दिन के बाद मेरे नए होटल की ओपनिंग है, छोटी सी पार्टी रखी है, ले आना। जी जरूर जरूर ले आऊंगा। भाई साहब ये सब बिजनेस की वजह से। सिक्योरिटी? हाँ सिक्योरिटी। अगर आप पर कोई आफत आ गई तो ये लोग जान दे देंगे, ले भी लेंगे। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है? है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बता दो, लेवल में लाएंगे उनको। अब रिश्ता जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, भगवान की दया से इस शहर में हमको कोई परेशान नहीं कर सकता। बताओ कौन है? नहीं बस आपने इतना कह दिया काफी है भाई साहब, मैं खुद ही बात कर लूंगा उनसे। अच्छा बात कर लो, नहीं तो मुझसे बात कराओ, फोन पे समझा दूंगा। जी भाई साहब। अरे मजनू, 2 सेकंड पहले आता तो लड़के से मिला देता। कौन से लड़के से? वही संजना जी से प्यार करती है, 13 तारीख को मैंने मंगनी भी फिट कर दी है। फिर वो मेरा पेंटिंग वाला छोकरा, उसका क्या होगा? उसे निकाल दे पेंटिंग से, वहाँ बिल्डिंग बना। क्या बात करे उदय भाई, कितनी मेहनत करके चक्कर करके लड़के को अंदर कर आप बोलते बिल्डिंग बना दे। अरे मेहनत की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन की शादी कहीं भी करवा दूं। आप समझ नहीं रहे उदय भाई, वो तो जल्दी जल्दी में उसकी शराफत में बराबर पेंट नहीं कर पाए। देख संजना इस लड़के से प्यार करती है, इसके घर वाले भी संजना को बहुत पसंद करते हैं, अपने आप मामला फिट हो गया है। तेरे वाले लड़के को थूक लगा दे। सर मैं अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वाह, पूछना तो नहीं चाहता लेकिन पूछे बगैर रह भी नहीं सकता। ये भी ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हैं और किसे कैंसिल कर रहे हैं। आजा बताता हूँ। क्या हुआ सर? मैंने तो गलती कर दी। डॉक्टर गंगरो, रिश्ता कैंसिल। क्या बात करते हैं रिश्ता, क्या बात करते हैं आप, रिश्ता कैंसिल? हमारे उदय भाई से हाथ मिला के, गले मिल के, रिश्ता फाइनल करके गायब है? नहीं मैं मंगनी और शादी की तैयारी करने गया था ना, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टू लेट, अभी हमारी सिस्टर को किसी और से लव हो गया है, उदय भाई की तरफ से सॉरी। सॉरी क्या, अपने आप की जान छूटी, जान निकल जाएगी मेरे भांजे की। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप मेरे अंकल को इस तरह उठाकर क्यों लाए? जो लोग हमारे फोन नहीं उठाते उन्हें हम ऐसे ही उठा लेते हैं। आपको क्या लगता है? राजीव, इन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया है, ये बताने के लिए मुझे यहाँ पे उठा के लेके आए हैं। रिश्ता कैंसिल?
समझो बात को। हाँ लेकिन फिर भी अंकल ये बात प्यार से भी की जा सकती थी। They could have easily said sorry to us. अबे what? बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। अच्छा हुआ ये रिश्ता आप लोगों ने खुद कैंसिल कर दिया, वरना हम कैंसिल करने वाले थे। इसलिए कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मेरी एंगेजमेंट भी होने वाली है। एक मिनट अंकल, आप जानते हैं वो लोग कौन है? कौन है? हा? वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। वो आप और आपके वो क्या नाम है उनका, शेट्टी। यस मिस्टर शेट्टी। 10 जनों को ऐसे यूं ही खरीद सकते हैं। या यस आप समझे, मैं समझ जनू भाई, इसलिए हम लोग गायब हो गए थे ये सोचने के लिए कि तुम जैसे गुंडों से छुटकारा कैसे पाया जाए। जिसका भाई ऐसा होगा उसकी बहन कैसी होगी और उसके माँ बाप तो कैसे कैसे होंगे। मैं मर भी जाता ना तो भी ये रिश्ता नहीं करता। मजनू भाई, जिसे मर्जी चाहे उठा लेते हैं। याद रखिए मिस्टर मजनू, आपको भी कोई उठा सकता है। ए, बहुत हो गया तेरा, हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। मुझे अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम्हारा हाल क्या होगा। डोंट ट्राई टू टच मी। ये लो मैंने फिर छुआ, अब क्या कर लोगे? ए, कौन है तेरे पीछे? जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उनसे? ये लीजिए ये फोन है, मैं आपको नंबर लगा कर दूं, बात करेंगे आप उनसे। है हिम्मत है आप में? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई आपकी? है हेलो, ओ इधर देखिए, तीसरी बार छुआ। राजू मत छू, प्रॉब्लम हो जाएगा, मत छू। लिसन मिस्टर मजनू, इफ यू एवर ट्राई टू क्रॉस माय वे यू वुड हैव इट फ्रॉम मी एंड माय रिलेटिव एंड दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। लेट्स गो अंकल, लेट्स गो। फिर छुआ। लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मजनू भाई और उदय भाई से बड़ा आदमी और कौन हो सकता है? एक ही हो सकता है, जॉर्ज बुश।